हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आसिफ। आज आपको बिना हाथ से आटा गूंदे, आपने वैसे चिली गार्लिक ब्रेड तो खाई होगी, आज आपको चिली गार्लिक पराठे दिखाऊंगी। ये कोथमीर मैंने काट के रखी है और 5-6 कड़ी लहसुन है, विदाउट नमक इसकी पेस्ट है, मीन्स क्रश किया हुआ है। एंड इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा, ये चिली फ्लेक्स है जो मैंने मेरे चैनल पे दिखाई है। एंड वेरी इजी सिंपल है, तो आप बनाना है मुझे कमेंट में बताना। ये नमक है और ये बटर है जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। बस इसमें पानी ऐड करती हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना कि ताकि इसमें कुछ भी लम्स वो नहीं रहे। एंड इधर मैंने तवा भी रख दिया है, इसमें डालती हूँ। इसको पकने देती हूँ। आप देख सकते हो पक गया है, तो इसको टर्न करती हूँ। एंड दूसरी तरफ भी जल पकाना। तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको ये चिली गार्लिक पराठा कैसा लगा। वेरी इजी सिंपल है और हेल्दी भी है। इसमें बटर, घी कुछ भी लगा सकते हो, मैं घी लगाती हूँ। आप देख सकते हो आपके सामने ही है, फुग्गे के जैसे फूलेंगे, बहुत टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी है। अगर आपको मैदे का यूज करना हो तो मैदे का भी यूज कर सकते हो, बट मैं हेल्थ के लिए गेहूं का आटा यूज कर रही हूँ। एंड वेरी टेस्टी है, तो मुझे याद से कमेंट में बताना कि आपको ये पराठे कैसे लगे। आई होप सो यू लाइक दिस माई वीडियो। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना, आसे फुंडेदा। आप देख सकते हो लुक वेरी नाइस ना। इसको लाइटली प्रेस करना तो ये फूलेंगे। आप देख सकते हो, ज्यादा आपको नहीं दिखाती और लुक भी देख सकते हो, कलर बहुत अच्छा आता है नॉनवेज सब्जी के साथ या पनीर की सब्जी के साथ। ये पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।